सभी भाइयों को जय हिंद। दोस्तों, अग्निवीर रैली भर्ती में आपने देखा कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बहुत मांग है। अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की मांग है तो सभी भाइयों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कैसा लगेगा, स्टेट का लगेगा या जो कि इंटरनेशनल लेवल का लगेगा या नेशनल लेवल का लगेगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल का लगेगा या जो भी आपने छोटे मोटे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया है वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो या फिर तहसील लेवल की हो, तो क्या वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का अग्निवीर रैली भर्ती में हमें कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आपसे एक निवेदन है, अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको अग्निवीर रैली भर्ती से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में सारी डिटेल हम जानते हैं। तो चलते दोस्तों स्क्रीन। दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला एक मामूली सा इंस्ट्रक्शन है। इसमें दिया गया है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल एंड स्टेट एंड नेशनल लेवल विद इन द लास्ट टू ईयर्स फॉर लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर विच रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड इन एडमिसिबल अटेंशन इस इन्वेटेड www.indianarmy.nic.in वेबसाइट। तो दोस्तों इसको मैं हिंदी में आपको नॉर्मली तरीके से पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, मैं इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले दो सालों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर और कोई राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और उनकी सूची जिनके जो कि नीचे दी गई है उनको जो है अग्निवीर रैली भर्ती के फिजिकल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ रिटर्न एग्जामिनेशन में छूट दी जाएंगी। तो अब उन खेलों के क्या नाम है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलते हैं उन खेलों के नामों की ओर। तो पहले बात तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक फॉर्मेट बना हुआ है मेरे पास खेलों के नाम का। तो खेलों के नाम में आप देख सकते हैं एथलेटिक्स खेल है एथलेटिक्स के लिए और आर्चरी के लिए बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रेन, फुटबॉल, फेंसिंग, ये सब दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब सारे स्पोर्ट्स के नाम हैं। तो कुल ये स्पोर्ट्स के नाम यहाँ पर 20 दिख गए आपको और इसके बाद दोस्तों इधर में 21, 22, 23 से लेकर 32 तक, कुल 32 तक नाम है। तो अब बहुत से भाइयों के मन में सवाल यही चल रहा होगा कि क्या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या तहसील लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो क्या वो इंडियन आर्मी भर्ती में वैलिड रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ, वो आपका वैलिड नहीं रहेगा, आपका इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि दोस्तों जिस भी क्षेत्र में है। इसमें मैंने आपको बता दिया है क्या क्या क्षेत्र में, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कराटे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में आपके अग्निवीर रैली भर्ती में जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लग रहा है उससे सारे संबंधित डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए, आपको दोस्तों वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी मिल जाएंगे और दोस्तों सारे जो भी इंस्ट्रक्शन है अग्निवीर रैली भर्ती से रिलेटेड वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बस यहीं तक था वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फिर से कहूँगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुँचाएँ ताकि उनको भी सारी जानकारी समय समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।